मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर, विषय संस्कृत, कक्षा 6, पार्ट 1, शब्द परिचय। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर जो था उसका अनुवाद बताया था। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम करेंगे बेटा वर्ण विच्छेद। वर्णों का विच्छेद हम कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे। इसमें ये है, जैसे ये लिखा है बाल कहा, बाल कहा। पहले भी क्लासों में शायद आप लोगों ने देखा होगा वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। नहीं है तो हम बता देंगे कि किस तरह करते हैं। जब भी हमारा कोई भी व्यंजन वर्ण होता है, जैसे व, क से ह तक हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। हर व्यंजन वर्ण में स्वर होता है, अ होता है, अ छुपा होता है हर व्यंजन वर्ण में। जैसे ये लिखा व, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व, और इसमें ये बड़ा की मात्रा है तो प्लस यहाँ पे कर देंगे हम बड़ा की मात्रा, बड़ा आ लिख देंगे। तो ये है, जब हम इसमें आ अलग कर देते हैं तो ये अक्षर हमारा आधे में आ जाता है, इसमें हम हलंत लगा देते हैं। ये हो गया इस तरह। अब आएगा ला, इसमें भी हमारा स्वर है इसलिए ल लिखेंगे, और इसमें आएगा हमारा अ। हर व्यंजन में आ होता है, अगर कोई मात्रा है तो वो स्वर तो है ही हमारे पास, और नहीं है तो हर व्यंजन जो वर्ण है उसमें हमारा स्वर होता है। जैसे इसमें स्वर हो गया तो ये अक्षर हमारा ल आधा हो गया, आ निकल गया अक्षर आधा, इसलिए हलंत हो जाएगा। अब आएगा क, तो प्लस ये हमने क लिखा, और ये क्या है हमारा आहा, तो हम आहा स्वर आता आहा, इस प्रकार से लिख देंगे आहा। ऐसे ही इसको बनाएंगे, प, प लिखेंगे, इसमें भी हमारा क्या है अ, तो ये आ जब लिख देंगे तो इसमें हम हलंत लगा देंगे, ये आधा हो जाता है। फिर ठ, जब ठ लिखेंगे तो इसमें भी अ, कोई स्वर नहीं है तो हम आ मानते हैं, इसमें भी हलंत। फिर हमारा आएगा, अक्षर पहले आता बेटा, मात्रा बाद में। फिर हमारा अक्षर आएगा त, अब त में तो मात्रा है हमारी ये छोटी ई की, तो हम लिख देंगे यहाँ पर छोटी ई, ये स्वर है, फिर इसको भी हलंत। इस प्रकार हमारे वर्ण विच्छेद ये होते जा रहे हैं। ऐसे ही करेंगे हम गायंती, ये आप अपना कर लेंगे। ऐसे ही है वर्णों को जोड़कर पद लिखो, ऐसे ही इसमें ये बता दे रहे हैं हम आपको। च, अ, च लिखा, अगर इसमें हमारा अ छिपा है तो ये चा बन गया हमारा पूरा, हलंत नहीं लगेगा क्योंकि आ था वो हमने इसमें जुड़ गया। अब ये है स, ये स लिखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी पूरा हो गया है, इसलिए हम इसमें भी हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें अ है, ये व्यंजन वर्ण पूरा बन गया। अब आएगा क, तो ये भी क लिख देंगे, इसमें भी अहा है, ये है अहा, इसलिए क में भी हम अहा कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा चस कहा। इस तरह से ये है हमारा व, तो हमने लिखा ये व, इसमें आ है, कौन सा स्वर है बड़ा आ, तो हम इसमें बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। ये ल है और ये छोटी ई, तो ल में कौन सी मात्रा आएगी हमारी छोटी ई की, ये यहाँ से ये आ गई। और फिर आएगा हमारा क, क, क के साथ क्या दिया ये आ, यानी बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा। इस प्रकार अभी हमने आप सीखा वर्ण विच्छेद, बाल कहा का, पठती, और अगर ये वर्णों को जोड़े, जोड़कर पूरा करना। अब ये सब टूटे हुए हैं, इनको हमने जोड़ना भी आपको बता दिया है बच्चों, ये भी आपका इस, अगर एक ये रह गया है, एक और बता रहे हैं आपको, जैसे ये दिया है ग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आ, इसमें मात्रा बड़े आ की है, ये हो गया। अब आया हमारा य, या आ गया, फिर आपका य के बाद क्या आएगा हमारा अ, या पूरा है तो हम हलंत लगा देंगे अ। अब आता है पहले अक्षर, फिर अब ये ना दिया हमारा पहले न, तो न कैसा है हमारा आधा, तो आधा है, कोई स्वर नहीं आएगा उसमें क्योंकि ये हमारा आधा है, इसलिए है हमारा व्यंजन पूरा है ही नहीं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब आएगा त, तो, ये हमारा आ गया त, तो, ठीक, और इसको भी इस प्रकार से, और कौन सी मात्रा है
ई, बेटा ये है हमारी ई। तो इस प्रकार से जी हमने अभी आपको बता दिए, ये आपका है गृह कार्य, वर्णों को विच्छेद करें। ये धाविका, मनोहरा, पत्राणी, मयूरहा और ये नित्यंती, ये आप वर्णों को विच्छेद, ये गृह कार्य है, स्वयं कोशिश करना, इन्हें करना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्णों को जोड़कर पद लिखो। तो ये हम लिखेंगे इनको, जैसे हमने बताए थे आपको, अभी सिखाए बिल्कुल इसी प्रकार से, च स क आ चस का, स अ च ई, यानी सौ च ई कहा, सौच कहा, स उ सु न क अ सुन क, इस प्रकार से इनको हम जोड़कर लिखेंगे। और यही सेम है बिल्कुल वर्ण विच्छेद, सेवियति, इनको हमें तोड़कर लिखना है, मात्रा अगर बड़ी है तो उसी प्रकार करना है। मयूरो, ये देखो कैसे हमने किया, बाल कहा, ब आल कहा, तो जैसे ये बेटा हमने सिखाए बिल्कुल सेम वैसे ही आपको करना है। तो इनको अच्छे से देखकर स्वयं कोशिश करना, प्रयास करना करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे।